अस्सलाम वालेकुम सैदा वॉइस पर आप सबको खुश आमदीद। साथियों, एक और नई और सच्ची अनोखी कहानी के साथ फिर से हाजिर हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ दिल की गहराई के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और उससे पहले हमारे चैनल सैदा वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरे पापा बेटियों को बहुत चाहते थे और खानदान से लड़कर हमें हर तरह की आज़ादी और हम पर भरोसा किया था। मैं पापा की बेहद लाडली थी, घर की सबसे छोटी थी, बल्कि मैं पापा की वजह से इतनी ज्यादा आजाद ख्याल हो गई थी कि मैंने बहुत कम उम्र में ही जॉब करनी शुरू कर दी थी। किसी दूसरे शहर में कॉल सेंटर में जॉब करती थी मैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ एंजॉय करूं, वो मेरा ख्याल करे, मेरा शौहर मुझे माशरे में इज्जत दे। लेकिन बस मोहब्बत की शादी करना चाहती थी। हमारे घर में हर बात की खुली आज़ादी थी, तो शायद इसलिए इतनी आसानी से मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। और पापा के सामने तो हर बात को मैं कह सकती थी। पापा ने कभी जॉब के लिए भी मना नहीं किया, तो इसी वजह से जहाँ जिस शहर में मेरा दिल होता मैं जॉब कर लेती, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक भी था। फिर वो मुझे मिल ही गया। उससे मुलाकात बड़े अजीब अंदाज में हुई। कॉल सेंटर में हर तरह की कॉल आती थी, तो एक कस्टमर की कॉल बार बार आती। वो मुझसे मेरे बारे में पूछना चाहता था। शुरुआत में तो मैंने इग्नोर किया, पर वो तो मानो चिपक ही गया था। उसका नाम हमजा था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, जिससे कोई भी लड़की अट्रैक्ट हो जाए। बस एक दिन मेरे सामने वो आ गया। जब मैं ऑफिस से निकली, रात के 3 बजे का वक्त होगा, मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। उसने कार मेरे सामने रोक दी और याद दिलाया कि कौन है। फोन पर अक्सर हम बात करते थे, इसलिए पहचान गई। मैं कार में बैठ गई, उसने घर पर ड्रॉप कर दिया। अब ये रोज ही होने लगा, वो आ जाता और मुझे पिक करता। एक रात उसने मुझसे कहा, मुझे कुछ काम है तो मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा, कहाँ चलना है? उसने कहा, बस यही मेरे एक दोस्त का अपार्टमेंट है, वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट उठाना है, फिर वहाँ से मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं भी भोली थी, उसकी मोहब्बत में पागल थी, उसके साथ चली गई। वो उसके दोस्त का अपार्टमेंट नहीं था, उसका अपना अपार्टमेंट था। वहाँ जाकर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं रोकती रह गई कि शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, तब तुम मेरे साथ ही ताल्लुक रखना। लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं सुना, उसने कहा कुछ नहीं होता है, और वो हो गया जिसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाऊंगी कभी सोचा भी नहीं था। उसने मेरी इज्जत पर हमला किया था। मैं तो उस रात रोती रही थी, और वो मुझे चुप कराता रहा था कि गलती हो गई, गलती हो गई। मैंने कहा, तुमसे गलती हो गई, अब इसका हर्जाना मैं भुगतूंगी। 2 महीने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैं नाजायज बच्चे में खुद को गुम नहीं करना चाहती थी, ना ही इस बच्चे को कबूल करना चाहती थी। मैं शराफत की जिंदगी चाहती थी, इसलिए अपनी पसंद की शादी भी करना चाहती थी। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उससे कहा, देखो अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। उसने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, मैं उसके साथ जुड़ चुकी थी और वो अब मेरे होने वाले बच्चे का बाप था। अपने घर वालों को मैंने अब तक ये नहीं बताया था कि वो मेरा क्या है। एक दिन मैंने हमजा से कहा, क्या बहुत हो गया है, मैं तुमको अपने घर वालों से मिलवाना चाहती हूँ ताकि वो तुमसे मिले और तुम हमारी शादी की बात करो। उसने बात को टाल दिया। फिर एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, मैं उसके अपार्टमेंट में आई। दरवाजा खुला हुआ था, लॉक नहीं था। मैं आहिस्ता से उसके बेडरूम की तरफ गई, तो वहाँ जो मंजर मैंने देखा, उसको देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो किसी और के साथ उस हालत में था कि मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वहाँ से बाहर आ गई। पूरी रात मैं तड़पती रही कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि हवस थी, हवस। उसने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। मैं किससे अपना गम बयान करती? मेरे घर वाले मेरा साथ देते, पर मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। वो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, पर मेरे दुख को सह नहीं पाते। अब याद आ रहा था वो पल जब मैं 18 साल की थी, जब मैं हमजा से पहली बार मिली थी। अपने छोटे से शहर को छोड़कर मैंने अपने मुल्क के एक बड़े शहर के कॉल सेंटर में काम शुरू कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, मेरा जवान दिल उसकी तरफ खींचता चला गया। 1.5 साल की दोस्ती के बाद हमने एक साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन मैं शादी से पहले कुछ भी जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाना चाहती थी। पर जो किया उसने जबरदस्ती किया, फिर भी मैं बेवकूफ उसके लिए पागल रहती। ये मोहब्बत इंसान को कितना अंधा बना देती है, अब क्या बताऊं। एक औरत के मान को उसने तोड़ा था, जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की, लेकिन उस मोहब्बत में खुद को खो दिया। क्या बताऊं, उसने मुझे कहां से कहां ला फेंका था। मैं मोहब्बत में हार गई थी। उसने तो कहा था कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, फिर क्यों? क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों झूठ बोला? क्यों मेरे दिल के टुकड़े कर दिए? क्यों वादा किया? क्यों क्यों मेरा अपना आप मजरूह कर दिया? ऊपर से जो झूठा वादा किया, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। मैंने भी महसूस किया कि मैं पागल हो जाऊंगी। दिल घबरा रहा था और यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, लेकिन जो बुरा होना था वो तो हो चुका था। हम ख्वाबों की इस दुनिया में रह रहे थे, जहाँ मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना बेकार सा लगता है। उसके बहुत से दोस्त थे,
जो हमेशा हमारे घर आते थे। मैं भी उनके साथ हंसती और खुलकर बात करती थी। पता नहीं हमजा के दिल में कैसे शक घर कर गया। उसे ये लगने लगा कि मेरा उसके दोस्तों के साथ भी ऑफिस में अफेयर है और इस बात पर हमारी लड़ाइयाँ होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इतना बिगड़ गया कि हमारे दिन रात एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने में गुजर जाते। मैं बहुत उदास रहने लगी। मैं घंटों रोती रहती और उसका असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा। अब मेरी जॉब को खतरा था। मेरी जॉब दांव पर लग रही थी, जिसके लिए मैंने अपने बाप को भी मनाया था। मैंने घर वापस आने का फैसला कर लिया। अपने उस छोटे से अपार्टमेंट और उससे जुड़ी यादों से दूर हो जाना चाहती थी। मैंने हमजा को फोन किया और एक कैफे में बुलाया आमने सामने बैठकर। जब मैंने उसे बताया कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो वो मुझ पर चीखने लगा कि मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं। मेरी माँ तो हरगिज नहीं चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूँ। मैं नहीं कर सकता हूँ ये शादी। फिर कैसे, मुझे क्या पता, जो किया है तुमने किया है, मैं तो मना कर रही थी। उसने मुझे सैकड़ों तरीके बताए और बच्चा जाया करने की कोशिश की। ये तक कह दिया कि वो कैसे यकीन करे कि ये उसी का बच्चा है, लेकिन मैं डटी रही। लेकिन वो एक मर्द था और मैं एक कमजोर औरत। उसने वही किया जो उसकी ताकत थी। पहला बच्चा अबॉर्ट करवा दिया गया था। उस दिन मैं फूट फूट कर रोई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने किसी को कत्ल किया था। और फिर ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि 2-3 महीने बाद उसने फिर मेरे साथ ज्यादती की और मैं इस बार भी कुछ नहीं कर सकी और अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकी। जबकि मेरे पापा मेरे लिए खड़े हो जाते और मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी। इस सदमे से उनकी तबीयत खराब हो जाती। मुझ में अपने बच्चे को दोबारा कत्ल करने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं शादीशुदा नहीं थी, न मेरे पास कोई अच्छी जॉब थी। बच्चे का बाप तो उसे अपना मानने को तैयार ही नहीं था और कहा था कि मेरे किसी दोस्त के साथ तुमने ये काम किया है। लेकिन ये भी ख्याल आ रहा था कि शायद नई जिंदगी दे रहा है। अब तक मैं एक लापरवाह नौजवान लड़की की जिंदगी गुजार रही थी। किसी को यकीन नहीं था कि ये बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है, ये मुझे नई जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। एक बार तो एक बच्चे को जाया कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तक मैं एक लापरवाह नौजवान लड़की की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैंने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसके लिए खुद को मैंने बहुत दिनों तक समझाया था और अभी अपने घर वालों से मैंने बात नहीं की थी। ये मेरा खुद का फैसला और कॉन्फिडेंस था जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। पर किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं एक बच्चे को पाल सकूंगी। मैं बिन ब्याही माँ बनना चाह रही थी। मैं भी जानती थी कि मेरा रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा करना ही था। मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की मोहब्बत मुझे उसे इस दुनिया में लाने के लिए कह रही थी। मैंने डरते डरते अपने घर वालों को उसके बारे में बता दिया। पापा से हमजा का जिक्र मैंने किया था, वो उसको पहले से ही जानते थे। लेकिन मेरे दोस्त के तौर पर और हमारे घर में दोस्त बनाना कोई मायूब बात नहीं थी, यानी हम दोस्त बना सकते थे। और ये कॉन्फिडेंस पापा ने ही दिया था। लेकिन मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि मैंने अब तक उनसे शादी की बात भी नहीं की थी। इस बात से वो नाराज हुए थे कि मैं शादी से पहले माँ बनने वाली थी। लेकिन और ज्यादा सदमा इस बात पर पहुंचा कि वो सिर्फ एक दोस्त ही नहीं रहा था, वो मेरा बहुत कुछ बन गया था और उसने जबरदस्ती किया था ये सब, और वो हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। मैंने पापा को समझाया कि मैं खुद को संभाल लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम खुद को संभाल लोगी तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पापा को देखने लगी कि ये भी एक मर्द है और किस तरह मुझे संभाल रहे हैं। मेरी माँ का साथ देते हैं, लेकिन वो आदमी जिसने मुझे इस्तेमाल किया और एक टिश्यू पेपर की तरह फेंकना चाहता है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे से भी उसको कोई गर्ज नहीं, बल्कि उसको कहता है कि वो किसी और का है। पापा ने मेरी मदद के लिए दोबारा नहीं पूछा और कहा कि जो चाहे कर सकती हो, या तो हमारे साथ रहो या तुम्हें जहाँ पर सुकून महसूस होता है। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरी एक दोस्त ने बहुत मदद की। अपने खर्चों के लिए मैंने एक दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। इस बीच हमजा मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा फैसला था कि मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। बच्चे की पैदाइश के दिन मेरी दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गई। 1 घंटे के बाद ऑपरेशन से बच्चे ने जन्म लिया। ये मेरा बेटा था। जब मुझे होश आया तो मेरा बेटा मेरी दोस्त की गोद में था और डॉक्टर मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं जो पहले खुदकुशी का सोच रही थी, माँ बनने की खुशी बिल्कुल अलग होती है। मैं सब भूल गई। पहली बार अपनी औलाद अपने बेटे को देखकर, जिसके पैदा होने से पहले क्या नहीं सोचा था मैंने। मैं बहुत खुश थी। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पापा मेरे साथ थे। हैरत इस बात पर थी कि इस कठिन मरहले में, जबकि मैं दर्दों से गुजर रही थी, अकेली लड़ रही थी, क्योंकि मैं अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पापा से मैंने कह दिया कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको अपनी बेटी पर यकीन होना चाहिए। पापा ने कहा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि उसने ये गलत काम खुद से नहीं किया है, उसके साथ ज्यादती हुई है। मोहब्बत में इंसान कभी कभी बहक जाता है, लेकिन तुम बहकी नहीं थी, उस शख्स ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। बहरहाल पापा की तरफ से इत्मीनान था। लेकिन शाम को हमजा भी हॉस्पिटल पहुंचा। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया
और अपने दोस्तों को फोन पर बता दिया तो एक बेटे का बाप बन गया। हमजा को इतना खुश देखकर मैं हैरान थी, लेकिन वो अब भी अपने अम्मा अब्बा को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने एक बार फिर से रिलेशन शुरू करने के बारे में बात की, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहा, बल्कि वही नाजायज रिश्ता। वो बच्चे को अपना नाम देना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अपने बच्चे को अपना नाम दिया। मैं हमजा पर यकीन नहीं कर सकती थी। चंद दिनों के बाद मेरी अम्मा, मेरे पापा और कजन भी मेरे पास आ गई। अब मैं अकेले नहीं थी। अगले साल हमजा अपने मुल्क लौट गया और फिर मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने उससे कहा था शादी करनी है तो बताओ, वरना इस तरह तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगी और अब तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते हो, अब मैं एक बेटे की माँ हूँ। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, फिर एक दिन चुपके से मुझे छोड़कर चले गए, पर मुझे इतना एतमाद दे गए कि मैं अकेली खड़ी थी। मैं 45 साल की हो गई थी और मेरा बेटा 17 साल का। मुझे हमजा कभी कभी याद आता। मैंने उससे मोहब्बत की थी, बहुत मोहब्बत, लेकिन वो झूठा था, मक्कार था। उसकी निशानी मेरे पास थी, मेरा बेटा अमजद अपने बाप जैसा था। शायद अपने बेटे से मैं अपनी जिंदगी की कमी पूरी करती। उसको देख कर तो हमजा की याद और आती और सोचती कि मेरे साथ जिंदगी गुजार कर वो कैसे किसी और के साथ होगा। मुझे मर्दों से इतनी नफरत कभी ना हुई थी जितनी हमजा के बात हुई थी। मैंने सोच लिया था कि प्यार तो दूर की बात है, प्यार की शादी भी नहीं करूंगी, मर्द बना ही धोखा देने के लिए है। लेकिन मेरा बेटा, जब भी उसे मैं देखती मुझे अपने पापा की याद आती कि मेरे पापा इसी तरह मुझसे मोहब्बत करते थे। एक दिन मेरा बेटा, जो कि मुझसे बहुत करीब था, हमारी जिंदगी एक दूसरे के लिए थी। मैं अब भी इतनी खुददार थी कि अपने घर वालों के साथ नहीं रहती थी, अकेले ही रहती थी, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से आया, मैं बहुत उदास थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहा, अम्मी आपको कोई परेशानी है? मैंने कहा, तुम्हारा बाप याद आ रहा है? तो उसने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा बाप है कहाँ, कौन है? बचपन में तो आप मुझे चुप करा दिया करती थी, नाना को ही अपने पापा के तौर पर देखा था जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मेरे पापा तो नहीं थे ना, मेरा पापा तो कोई और था। लेकिन अब मैं जवान हो चुका हूँ, आपके दर्द को समझ सकता हूँ, आपको उनकी तस्वीर से बातें करते हुए देखता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप रात में उनको याद करती हैं, अगर वो आपको इतना ही चाहते हैं। बेटा वो कभी नहीं आएगा, उसने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरी इज्जत पर हमला किया है, एक बार नहीं 10 बार। कभी सोचा ना था ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हें मार देना चाहता था। पहले भी मेरे और बच्चों को उसने मारा था, पर ये मेरी दिली तमन्ना थी कि तुम इस दुनिया में आओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। समाज से लड़कर मैं तुम्हें लाई, तो भूल जाओ कि वो कौन है, तो आप भी भूल जाए ना, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता हूँ। उस बेशरम बेगैरत आदमी को आप क्यों अपनी दिल से नहीं निकाल देती हैं? उसकी यादों को खुरच कर अपने जहन से निकाल दें। उसने मुझे भी हराम की कमाई कहा। मैं जानता हूँ मेरे बाप ने मुझे नहीं अपनाया, पर आपकी मोहब्बत ने मुझे एक नया जीवन दिया। वो ऐसी बातें कर रहा था कि मैं रोने लगी। वो मेरे पास आ गया, मेरे आंसू साफ किए और कहा, भूल जाइए मैं आपका बेटा हूँ ना, आपका मुहाफिज हूँ, आपकी हिफाजत करूँगा। उस आदमी ने आपके साथ जो कुछ किया भूलने वाली चीज नहीं है, लेकिन उस आदमी ने आपके साथ बहुत बुरा किया। मेरा बेटा पहले इससे ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। वो कहने लगा, आप इतनी ज्यादा काबिल खातून हैं, क्यों ना आप और मैं एक ऐसा काम शुरू कर दें जिससे हमको तरक्की हो और हम दोनों अपनी जिंदगी जिए। मैंने कहा, तो ठीक है, बताओ कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अकेले मेहनत करती तो मेरा बेटा मेरा साथ देना चाहता था, तो क्यों ना हम मिलकर ही ये काम करते। उसने मुझे आइडिया दिया, बिजनेस का आइडिया। फिर मेरे बेटे के कहने पर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और दोस्तों ने मेरी मदद की। फिर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिससे मेरा बेटा बहुत खुश था। मेरा बेटा और मैं पार्टनरशिप कर रहे थे, अब मैं खुश थी। मेरा बेटा अब मेरे साथ है, उससे मोहब्बत करता है। मैं और वो अपना करियर बनाने लगे थे। फिर देखते ही देखते मैंने अपने बिजनेस को इतना फैला लिया कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहा कि मैं फजूल बातों को सोचूं। मेरे पहले शौहर के साथ मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया था, दिमागी तौर पर भी, दिली तौर पर भी। लेकिन एक दिन जब उसको खबर मिली कि मैं बहुत बड़ी बिजनेस वुमैन बन गई हूँ, तो वो मेरे ऑफिस में आ धमका और अपने हक को जाहिर करने लगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने कहा, तुम मेरे शौहर नहीं हो, शौहर बने कब, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उसको देखकर वहाँ पर चौंक गई थी कि ये अचानक कैसे, क्या ये अपना हक जताने आया है? मेरे से कोई शादी नहीं हुई थी, कोई लीगल पेपर नहीं था, वो किस बात पर इस बात का क्लेम कर सकता था? और अब मेरा बेटा मैं किसी को देती भी नहीं। मेरा बेटा इतना तो मैच्योर हो गया था कि वो खुद फैसला करता और अपनी माँ के अलावा वो कहीं नहीं जाता। उस वक्त मैंने मामले को रफा दफा कर दिया, क्योंकि मैं अपने बेटे के गुस्से को जानती थी कि अगर उसको ये बात पता चल गई तो हो सकता है वो अपने बाप को मार भी दे, क्योंकि मुझे इस तरह रोते देखकर उसको बहुत तकलीफ होती थी। मैंने उस वक्त मामले को रफा दफा कर दिया कि एक बार चला गया है। मैंने कहा, देखो अब तुम यहाँ आए तो मैं तुमको
पुलिस के हवाले कर दूंगी कि तुम मुझे तंग करते हो, इतनी मेरी पहुंच है। तो वो वहां से चला गया। फिर उसने मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और लोगों के कान भरने शुरू कर दिए कि ये औरत नाजायज बच्चे को पाल रही है, ये बच्चा इसका नहीं है। अब ये बात मेरे बेटे को पता चल गई। वो गुस्से में खोलता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा, ये बकवास बातें कौन कर रहा है ऑफिस में आपके और मेरे खिलाफ कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। मैंने कहा, किसकी बात कर रहे हो? लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्या सच में आपका बेटा नहीं हूँ? मैंने कहा, तुम कैसे समझ सकते हो तुम मेरे बेटे नहीं हो? मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने किसके मुंह से सुनी है? उसने कहा, फला औरत कह रही थी। उससे किसने कहा? पता नहीं। उसके बाद मैंने छानबीन की तो पता चला कि हमजा ने उसके कान भरे थे और वो औरत उसकी रखेल भी थी। हमजा ने उसको अपने साथ मिला लिया था और मेरी इज्जत, मेरी साख को गिराना चाहता था, हमारी कंपनी को डुबोना चाहता था। लेकिन जब मुझे मेरे बेटे ने बात बताई तो मैंने उससे कहा, वो आदमी शर फैला रहा है। और अब जबकि मैंने इस मामले को ठंडा करना चाहा था, मेरा बेटा खुद मैदान में कूदेगा। मेरे बेटे को मैंने हकीकत बता दी कि तुम्हारा बाप ऑफिस में आया था। ये बात मैंने तुम्हें पता नहीं चलने दी क्योंकि तुम गुस्सा हो जाते, लेकिन अब तुम्हें इजाजत है, तुम जो चाहे कर सकते हो। लेकिन वो भी समझदार निकला। एक दिन जब हमजा मेरे ऑफिस में आया हुआ था, मेरे बेटे को ये बात पता चल गई और वह फौरन ऑफिस में आ गया और आते ही कहा, तुम मेरे बाप होने का दावा करते हो? तुम मेरे बाप हो ही नहीं सकते हो। एक बाप इतना जलील नहीं हो सकता है जितने तुम हो। अब मैं इनकी जिंदगी में हूँ, इनका पार्टनर हूँ, इनकी जिंदगी हूँ, आप यहाँ नहीं आएंगे। उसके बाद उसने एक भरपूर मद बनकर उस इंसान को जिसने मुझे बर्बाद किया था ऑफिस से निकाल दिया। फिर वो कभी पलट कर नहीं आया। वो समझ गया अब मैं अकेली नहीं हूँ, अकेली औरत नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। लेकिन वो मुझे याद रहेगा क्योंकि उस रिश्ते से मैंने जीना सीखा, उस रिश्ते से मैंने अपने बेटे को पहचाना। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। मेरा बेटा मेरे साथ था। मैं दोबारा मोहब्बत करना चाहती थी, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। अगर किस्मत में शादी होती तो ये शादी मैं कर भी लेती, लेकिन मुझे अपने बेटे को देखकर कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए। मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ऐसे खड़ा रहता है जैसे वो मेरे आंसुओं को हमेशा थाम लेगा। बिल्कुल मेरे बाप की तरह वो मेरी फिक्र करता है, मेरी कदर करता है। एक इंसान ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन मेरे बाप के किए का फल अब बेटे की सूरत में मिल रहा है।